सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। पूर्णिमा है और ग्रहण भी लग रहा है। जीवन में तमाम तरह की सफलताएं कामयाबी हासिल करने के लिए अगर आप सिर्फ हनुमान जी का दामन थामे रहते हैं तो आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगती। अगर सफलता हाथ लगते लगते चूक जाती है, कहीं भी कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, आप पूर्णिमा का दिन ये जो खास दिन बन रहा है, अद्भुत संयोग बन रहा है, इस दिन जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात तो आप हनुमान मंदिर में जाएं, सुबह सुबह नहावा की पूजा पाठ करें और वहां पर एक सरसों का तेल का दिया और एक शुद्ध घी यानी गाय के घी का दिया जलाइए। अब इन दोनों ही दिया में दो दो लौंग डाल दें और वहीं पर बैठकर प्रेम से हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी से आप प्रार्थना करें दिल से, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं इस पूर्णिमा को जरूर पूर्ण होगी। पूर्णिमा के दिन अगर आप स्नान वगैरह करके सिर्फ एक सरसों के तेल का दिया पीपल के वृक्ष के नीचे जलाते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में शनि राहु केतु की कोई भी परेशानी दूर हो जाती है। और इस सरसों के तेल के दिए में दो लौंग डालना मत भूलिएगा। साथ ही वही पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर राम राम इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं और ओम शं शरण नमः का भी जप कर सकते हैं। और आप चाहें तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक बार वहीं पर उनके सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में जो आपके अंधियारा है, आपकी घोर दरिद्रता है, परेशानी है, वो दूर होने लगेगा। अगर आप शनि दोष से पीड़ित है, इस पूर्णिमा के दिन काली उड़द और कोयला और उसको एक काले कपड़े में डाल के एक पोटली बनाए, इसमें एक रुपये का सिक्का रखें और इसके बाद इस पोटली को अपने ऊपर से सात बार वार लें और किसी नदी में प्रवाहित कर दें और फिर किसी हनुमान मंदिर में जाकर राम नाम का जप करें। इससे शनि दोष का प्रभाव कम हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है। बहुत ही असरदार उपाय है। हनुमान जी को अगर आप केवड़े का इत्र अर्पित करते हैं रुई में थोड़ा सा लगाकर या फिर गुलाब की पंखुड़ी अर्पित करते हैं, गुड़हल का पुष्प अर्पित करते हैं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दिन पूर्णिमा के दिन आप हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर अर्पित कीजिएगा। अब एक पान का पत्ता लें और उसका डंठल तोड़ लीजिएगा। इसके बाद पान के पत्ते पे दो लौंग रखिएगा। लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी भी नहीं, और एक हरी इलायची छोटी वाली रखे। अब उसका पान का बीड़ा बनाइए और हनुमान जी को अर्पित कर दें। कर्जे की समस्या, धन की समस्या, जीवन में कोई भी बाधा हो वो दूर हो जाएगी और हनुमान जी की आरती करना मत भूलिएगा। आपकी मन की इच्छाएं जरूर पूर्ण होगी। हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न करने के लिए इस पूर्णिमा के दिन क्या करेंगे, एक और उपाय कर सकते हैं। आटा को अच्छे से सान लें, लोई बनाए। अब उस लोई से एक दिया बनाए, आटे का दिया बनाना है आपको। अब इस दिया को आप चौमुखी बना सकते हैं, पांच मुखी बना सकते हैं, एक मुखी भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब इस दिया में घी भरिए, गाय का घी, और इसमें आपको मौली धागा जो आप कलाई में कलावा बांधते हैं उसी का बाती बना के इसमें डालिए। रुई का नहीं डालिएगा बल्कि मौली धागा का। वैसे अगर आप चाहें तो मिट्टी के दिए से भी उपाय कर सकते हैं, वो भी कारगर रहेगा। अब हनुमान जी के मंदिर में जाए और उनकी प्रतिमा या तस्वीर के सामने इस दीपक को प्रज्वलित कर दें। अब हनुमान जी की आरती करें। आप चाहें तो इस दिया में दो लौंग भी रख सकते हैं। जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और घर में ढेर सारी खुशियां आएंगी।